हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। दोस्तों, आपके पास कोई सा भी सेट आता है चार्जिंग के प्रॉब्लम में, अगर चार्जिंग जैक लगाते समय पे दोस्तों उसका प्लस पॉइंट निकल जाता है, तो आप लोग को जम्पर लगाने का कहाँ कहाँ ऑप्शन मिलता है, मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा चेक करके कि आप लोग को जम्पर कहाँ लगाना है। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा। दोस्तों, आपके पास या एंड्रॉयड या कीपैड कोई भी सेट आता है दोस्तों, आप लोग को इसी तरीके से बनाना है, तो वीडियो में बनी रहेगा। चलते हैं दोस्तों, बताऊंगा कि आप लोग को किस किस आईसी पे आप लोग को जम्पर लगाने का मौका मिलता है दोस्तों, अगर आपका अगर प्लस पॉइंट निकल जाता है तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी बजा लीजिएगा, जिससे होगा दोस्तों कोई सा वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग को आईसी को पहचान लेना है कि जी जो चार्जिंग के प्लस मतलब चार्जिंग के जो पास में रहता है कौन कौन सा आईसी रहती है, क्या काम करती है क्या काम नहीं करती है। दोस्तों, मैं पहले इसको आप लोग को समझना है, उसके बाद ही आप लोग को लगाना जम्पर। तो दोस्तों, ये हो गया डाइबोर्ड, एक तरफ माइनस रहता है और दोस्तों एक तरफ चार्जिंग का प्लस पॉइंट रहता है। और ये दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे कैपेसिटर है दोस्तों, ये भी एक तरफ से माइनस रहेगा, ग्राउंड से जुड़ा रहेगा, एक तरफ चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट है उस तरफ रहेगा एक तरफ। तो आप लोग को मैं मीटर से एक बार चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोग को ध्यान देना है, कोई सा भी सेट अगर आपके पास आता है तो ये दो आईसी जरूर आप लोग को आसपास में दिखेगी, तो आप लोग को वहीं पर आप लोग को जम्पर लगाना है। वो भी पहले मीटर से आप लोग को चेक कर लेना कौन सा ग्राउंड है कौन सा प्लस है चार्जिंग का। तो यहाँ पर मैं अभी रखता हूँ आप एक बार, और उसके बाद मीटर से मैं चेक करके दिखाता हूँ आप लोग को। मीटर को ब्रांच की रेस भी रख लेना है दोस्तों, आप लोग को देख लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, एक पैर को आप लोग को ग्राउंड में रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डाइबोर्ड दिख रहा है, आप लोग को ध्यान देना है जो चार्जिंग जैक यहाँ लगा होगा उसके आस पास में लगा होगा। तो इस पर हम एक बार चेक करते हैं, इस तरफ माइनस है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, और इस तरफ हम चेक करते हैं तो कुछ भी रीडिंग नहीं बता रहा है। अगर हम उल्टा करके रखेंगे तो कुछ रीडिंग बताएगा। कुछ भी रीडिंग नहीं बता रहा दोस्तों, फिर भी ये मतलब ये प्लस देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीडिंग बता रहा है, यहाँ पे रीडिंग बता रहा है, कुछ ना कुछ रीडिंग बताएगा यहाँ पर। और इस तरफ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ देगी, आप लोग देख सकते हो। एक बार मैं जूम करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर हम इसको हम लगाते हैं एक तरफ माने सकते हैं और एक तरफ ग्राउंड, यहाँ पे एक तरफ बीप बज रहा है दोस्तों, आप लोग उसके बाद दूसरी तरफ में रखता हूँ तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रहा है, कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी बताएगा दोस्तों। तो ये मतलब हो गया तुम्हारा चार्जिंग का जो प्लस पॉइंट है ये हो गया दोस्तों। आपके पास कोई सा भी सेट आता है तो आप लोग के जो चार्जिंग लगा होगा उसके आस पास में ये डाइबोर्ड लगा होगा और ये कैपेसिटर भी लगा होगा। तो कैपेसिटर पर मैं एक बार चेक लेता हूँ, एक तरफ ग्राउंड रख के एक तरफ माइनस को यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम चेक करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तरफ ग्राउंड बता रहा है ये कैपेसिटर है, और इस तरफ हम चेक करते हैं तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब ये चार्जिंग का प्लस पॉइंट है। और दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट में चार्जिंग लिखा रहता है, मगर यहाँ पर लिखा नहीं है दोस्तों, इसमें भी कोई ना कोई पॉइंट होगा क्योंकि दिया गया है जम्पर लगाने के लिए। तो हम एक बार चेक करते हैं, इसमें एक पैर को इसके हम इस पर रखेंगे और इस तरफ चेक करेंगे दोस्तों, ये हो गया चार्जिंग का प्लस पॉइंट। बाकी और चार पिन हो गई है दोस्तों वहीं पे जम्पर लगाने का, जो यहाँ पे पांच पिन रहता है तो इसलिए पांच पॉइंट दिया गया है दोस्तों किस किस जम्पर लगाना है। अगर इसका डायग्राम होता तो दोस्तों पता चल जाता है कि मतलब कौन कौन सा पॉइंट किसका है, मगर डायग्राम नहीं है। और दोस्तों ये लोकल मोबाइल है, अगर ओरिजिनल मोबाइल जो रहता है कंपनी मोबाइल रहता है उसका डायग्राम हेलमेट से मिल जाता है, मगर जो लोकल मोबाइल रहता है वो नहीं मिलता है डायग्राम, इसलिए दिक्कत होता है जम्पर लगाने के लिए। तो मैं आप लोग को पहचान जो है दोस्तों, आप लोग को यही ध्यान देना है कि ये कैपेसिटर एक डाइबोर्ड आसपास में जरूर लग रहा होगा, एक तरफ ग्राउंड होगा एक तरफ चार्जिंग का प्लस पॉइंट। तो दोनों अगर आप लोग अगर समझ लोगे दोस्तों ये कहाँ पे लगा है, तो दोस्तों 100% आपका जो चार्जिंग जम्पर लगाने का जुगाड़ रहता है परेशान नहीं होगा, आप लोग का जो जम्पर है वो सही से लग जाएगा और चार्ज भी होने लगा आपका मोबाइल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अगर दोस्तों आप लोग को इस वीडियो को देखकर समझ में नहीं आता हो तो आप लोग वीडियो के नीचे में कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। और दोस्तों 100% दोस्तों इसी तरीके से आप लोग को कोई सभी सेट आपके पास आता है तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करके आप लोग जम्पर लगा सकते हो और 100% आपका जो चार्जिंग है वो चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।